हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल पेपर जो कि हुआ था 27 नवंबर 2019 को। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, मैंने इससे पहले 1 से 50 क्वेश्चन इसके सॉल्व करके डाल रखे हैं, तो आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। जो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मैगर। तो ये मैगर है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मैगर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सारे इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताऊंगा, जो ये मैगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है ये कितने ओम का होता है आपको पता होना चाहिए। ये होता है 2.4 मेगा ओम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन से मेथड है। लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? मिली ओम से लेकर ओम तक, ठीक है, मिली ओम से लेकर ओम तक। तो सबसे पहला है VI मेथड, क्लियर। और सेकंड है, दो VI मेथड होते हैं जो कि एक मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करता है, एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करता है। सेकंड मेथड है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और थर्ड वन हमारा मेथड है केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मीडियम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें पता है कि जो मीडियम वैल्यू होती है वो होती है ओम से लेकर किलो ओम तक। जो सबसे पहला है वो कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। सेकेंड वन है VI मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो VI मेथड होते हैं, एक मीडियम को मेजर करता है और एक लो वैल्यू को मेजर करता है। दोनों का सर्किट डिफरेंस होता है, बस जो सर्किट होता है वो अलग अलग बनते हैं दोनों के, उससे आपको पता लग जाएगा। आने वाली वीडियोज में आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको वीडियो उस पर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन है कैरी फोस्टर ब्रिज, ठीक है, कैरी फोस्टर ब्रिज मेथड, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये हमारे चार मेथड है। अब लार्ज वैल्यू को मेजर करने के लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए होगा, जो कि है ग्रेटर देन किलो ओम, जैसे कि ये वाला था इंसुलेशन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन किलो ओम होता है, ठीक है। ये इक्वल होता है 2.4 × 10⁶ ओम, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 10.4 × 10⁶ ओम। तो लार्ज को मेजर करने के लिए सबसे पहला कौन सा है मैगर, ठीक है। उसके बाद है मेगा ओम मेथड। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है डायरेक्ट मेथड। ये चार मेथड है जो कि हमारे लार्जर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कौन से में आएगा? लार्जर रेजिस्टेंस में आएगा। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड, देखो चारों में से कोई भी मेथड अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया होता तो हम उसको मार्क करते हैं। अब अगर मैगर ही दिया तो हम मैगर को मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, किसकी बात की गई है? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात की गई है। देखो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात की गई है, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये थर्मल पावर प्लांट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनरेटर हमें क्या प्रोवाइड करता है। हमें जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। जनरेटर क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ये अल्टरनेटर को जनरेटर ही कहते हैं। तो इसके शाफ्ट को रोटेट करके हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है। तो इसके शाफ्ट को रोटेट करने के लिए हम टर्बाइन की हेल्प लेंगे। टर्बाइन पे हम क्या देते हैं? टर्बाइन को हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम देते हैं, जो कि इसके ब्लेड्स के ऊपर फ्लो करती है, जिसकी वजह से इसके ब्लेड्स रोटेट करते हैं। ये कपल्ड किए गए हैं इसके ब्लेड्स जनरेटर के शाफ्ट से, तो जनरेटर का शाफ्ट रोटेट होगा और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें मिल जाएगी RYB, जैसे कि तीन फेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वाटर जो होगा हमारा फीड वाटर पंप की हेल्प से ऊपर जाएगा और इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? बॉयलर। यहाँ पर क्या होगा? पानी गर्म होगा। इससे भी पहले पानी डायरेक्ट इसमें आके गर्म नहीं होता, इससे पहले यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होगा? ये इकोनोमाइजर बॉयलर से ही कनेक्ट किया जाएगा और इसमें भी पानी गर्म होगा। सबसे पहले पानी इसमें एंटर होगा, इसमें
पानी गर्म होगा। अब इसमें पानी कैसे गर्म होगा, देखो यहाँ पर हम पल्वराइजर में क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं। देखो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ना, कोल जब जलता है तो उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो गैसेस इस इकोनोमाइजर में आती हैं, वो गैसेस गर्म होती हैं, उसकी वजह से जो ये वाटर है वो क्या होगा, गर्म होगा, थोड़ा टेम्परेचर गेन कर जाएगा। उसके बाद इसे हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा। एक नॉर्मल टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, एक लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, कौन सा ज़्यादा ईजी होता है, लो वाला ईजी होता है। पहले इसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद इसे हाई टेम्परेचर पे बॉयलर में लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कोयला गर्म करके इसको हाई टेम्परेचर पे ला के, मतलब इसको जो लिक्विड होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जो ये स्टीम है यहाँ पर टर्बाइन के ऊपर आती है और इसके ब्लेड्स को रोटेट करवाती है, फिर उससे शाफ्ट रोटेट करता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब जो ये टर्बाइन का आउटपुट होता है, इस पर कौन सी स्टीम होगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम होगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम। अब देखो इसको फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं, स्टीम को रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्रेसर की हेल्प लेंगे। कंप्रेसर क्या करेगा, इस लो प्रेशर को फिर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा, बट वो इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्टीम को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इस स्टीम को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको लिक्विड को फिर से हम वापस बॉयलर के अंदर गर्म करके स्टीम बनाते हैं। तो स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, कंडेंसर की हेल्प लेंगे। कंडेंसर क्या करेगा, स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड वाटर में, और वो जो वाटर होगा वो थोड़ा सा गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए हम कूलिंग टावर की हेल्प लेंगे। फिर वो वाटर फिर से फीड वाटर के पंप की हेल्प से इकोनोमाइजर में आता है, इकोनोमाइजर से थोड़ा सा टेम्परेचर गेन करके फिर उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है इन बॉयलर, फिर वो टर्बाइन पर आता है, ठीक है। तो ये जो जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो थोड़ी सी जो ये गैसेज निकलती हैं, फ्ल्यू गैसेज, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्ल्यू गैसेज, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्ल्यू गैसेज, ये हम डायरेक्टली आउटसाइड इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ते क्योंकि ये हार्मफुल गैसेज होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले प्रेसिपिटेटर के अंदर कलेक्ट करते हैं। प्रेसिपिटेटर क्या, कौन सा प्रेसिपिटेटर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। तो ये क्या करता है, उन फ्ल्यू गैसेज के अंदर से जो भी केमिकल कंपोनेंट होते हैं उस गैसेज को क्या करता है, क्लीन करता है, जिसको हम एक तरह से कहते हैं ये फिल्टर का काम भी करता है, ठीक है। तो वो गैसेज क्लीन होगी, फिर उसके बाद ही हम इसे आउटसाइड इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। तो ये सब काम है इसका, आपको समझ आ गया होगा। तो अब आप देखो कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम है टू कलेक्ट द डस्ट फ्रॉम द फ्ल्यू गैसेज, मतलब जो गैसेज हैं उसको क्लीन करने के लिए काम आता है। तो MMF अराउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, MMF अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द करंट इनक्लोज्ड बाय डेड पाथ। ये तो आपको पता होगा, एम्पीयर्स लॉ का फॉर्मूला भी है, HDL इज इक्वल टू द आई। तो ये सभी लॉ आपको पता होने चाहिए। जो हमारा बायो सेवर्ट्स लॉ है वो क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ क्या कहता है, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, K Q1 Q2 बाय R2। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, R2, ठीक है। तो फोर्स जो एग्जर्ट की जाती है बाय द टू चार्जेस इज इक्वल टू द K Q1 Q2 बाय R2। K क्या, कॉन्स्टेंट है, तो ये कूलम्स लॉ है। गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्फेस इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/E0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय डैट पाथ, इनक्लोज्ड बाय डैट पाथ। क्लियर हुआ, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, योर कंट्रोल इन अ विंड एनर्जी पावर प्लांट, योर कंट्रोल जो होता है ये एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करेगा, टर्बाइन को रोटेट करेगा अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 55 की तरह मूव करेंगे। द फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन कंसिस्ट ऑफ द 8 कॉइल्स इन सीरीज, देखो 8 कॉइल्स दी गई हैं, ईच कंटेनिंग 1200 टर्न्स, बट वेन द करंट इज 3 एम्पीयर द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कॉइल इज 20 mW। ये क्या है, मिली वेबर है, मतलब 10^-3 है, ठीक है। समय की इतनी बात को, तो द एनर्जी स्टोर्ड इज, एनर्जी की बात की गई है तो एनर्जी का जल्दी से हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/2 I² L, ठीक है। तो
तो इसके लिए हम देखेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई भी एक कॉइल है उसके अंदर जब एक इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करवाते हैं तो फ्लक्स जनरेट होती है, और जो वो फ्लक्स जनरेट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अगर उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हम क्या कहेंगे कि एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, ठीक है। सो अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इट इज़ इक्वल टू द एल आई, ठीक है। यहाँ से हमें एल का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एन फाई बाई आई, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी के फॉर्मूले के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी, आई तो हमें दिया हुआ ऑलरेडी। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1200। अब ये एक कॉइल का टर्न है, टोटल कॉइल्स कितनी है, 8 कॉइल, ठीक है। फ्लक्स कितनी है, 20 mW, तो 20 × 10⁻³, ठीक है, डिवाइडेड बाई करंट कितना, -3 क्यों करें, क्योंकि ये मिली वेबर था, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाय करंट कितना है, 3 एम्पेयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये कितना मिलेगा, 64, कितना मिलेगा हमें ये, अराउंड सम अप्रॉक्स अराउंड कितना मिलेगा, 64। और आपको पता है इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हाफ 3 × 3 × 64, ये 2 से गया 32, 32 × 9 करो जी कितना हो गया, 288 हो गया, 288। अब इसकी यूनिट क्या होगी, जाउल्स, क्योंकि एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट आपको पता है कि जाउल्स होती है, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, देख लिया। तो चलो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, डैश लॉसेज इज फाउंड फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉसेज फाइंड आउट होते हैं, ठीक है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस फाइंड आउट होते हैं। और कॉपर लॉस कहाँ होते हैं, वाइंडिंग्स के अंदर होते हैं। कोर लॉसेज कहाँ होते हैं, ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर कोर के अंदर, ठीक है, समय की इतनी बात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द डीसी, जो मशीन होती है उसको लेमिनेट किया जाता है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, ठीक है, एडी करंट लॉस। लेमिनेटेड किस लिए किया जाता है, एडी करंट लॉस के लिए। अगर हमने ये जो है हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करना, उसके लिए हम लेमिनेशन तो यूज़ करेंगे, बट वो कौन सी होगी, थिन लेमिनेशन को रिड्यूस करेंगे, थिन लेमिनेशन का रिड्यू यूज़ किया जाता है टू एलिमिनेट द हिस्टेरेसिस लॉस, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव ऑन करेंगे, द फंक्शन चार्ट सिस्टम ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ज ओरिजिनली डिवेल्प्ड इन द, तो ये तो जो चार्ट सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यूरोप में बना था ये। तो क्वेश्चन नंबर 59, द इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर, इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आर इंक्लूज इन द केसिंग मेड अप ऑफ द हाइपरमोबिलिटी मटीरियल टू प्रोटेक्ट द। देखो इसके लिए आपको ना चीज़ जो पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोडाइनेमो, ये EMI का क्वेश्चन है जो कि मेरी ऑफलाइन क्लासेज में मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका सब्जेक्ट। तो जो ये इलेक्ट्रोडाइनोमीटर है, इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसे जिसे हम B कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो कितनी होती है इसकी, 0.05 Wb/m² वेबर पर मीटर स्केयर, ये इसकी फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है, जो कि है बहुत वीक, जो जो ये बहुत कम है, तो जिसकी वजह से जो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो बहुत कम है, उसकी वजह से इसे मैग्नेटिक शील्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या होता है, आप अगर भी कोई भी इलेक्ट्रोडाइनोमोमीटर देखोगे तो उसे एक बॉक्स में रखा जाता है, एक बड़े सारे बॉक्स में रखा जाता है, वो बॉक्स क्या करता है, इस इंस्ट्रूमेंट को मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है, मींस इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करता है। सपोज करो अगर हम ऐसे ही ओपन ही इलेक्ट्रो इस इंस्ट्रूमेंट को किसी कॉइल के अंडर रख देंगे जिसमें से ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर इससे टकराएगी तो इसके जो रीडिंग होगी उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह जिसकी वजह से ये जो गलत रीडिंग देगा, ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट कर, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वीक है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब इसकी रीडिंग जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से ये गलत रीडिंग शो करेगा, इसके लिए हम इसे मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आके, मैग्नेटिक फील्ड आके इसे डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। तो किस किस को मैग्नेटिक फील्ड
शील्डिंग की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर की यूज़ होती है और एक किसको होती है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को। क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का भी तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है PMMC, एक होता है मूविंग आयरन, एक होता है इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है, तीनों में डिफरेंस देख लो क्या है। ये वर्क करता है DC पर, ये AC और DC दोनों पर वर्क करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोडाइनमो भी AC और DC तीनों पे वर्क करता है। इसकी जो हमने देखी है अभी 0.012 0.05 होती है। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और इसकी जो होती है 0.062 0.075, और जो इसकी होती है PMMC की 1 Wb/m². ठीक है, मतलब इसकी स्ट्रांग होती है, इसे मैग्नेटिक शील्डिंग की जरूरत नहीं होती है। इसको ज़रूरत होती है मूविंग आयरन को, और ED को भी ज़रूरत होती है, और इसको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑलरेडी ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कह रहा है, द गिवन सिंबल ऑफ लाइटनिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड ऑफ, ये जो फ्यूज बोर्ड आपको दे रखा है ये किसका फ्यूज बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है विदाउट स्विचेज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्विच तो कोई कनेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का फ्यूज बोर्ड है जिसके अंदर स्विच नहीं लगे हैं। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, द इनपुट ऑफ द हाफ हेडर आर A and B। देखो ये हाफ हेडर लगा हुआ है, ये आपने हाफ हेडर देखा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है हाफ एडर को पूरा सॉल्व करके। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ये मल्टीप्लेक्सर है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको इनपुट ए क्या है, 1 है, बी भी क्या है, 1 है, तो हाफ एडर का जो इनपुट होता है, हाफ एडर के हमें दो इनपुट दे रखे हैं 1 और 1। ठीक है, जब दो इनपुट दे रखे हैं 1 और 1, तो इसका इनपुट क्या होगा, देखो ये जो होता है आउटपुट क्या होता है, सम, और ये क्या होता है कैरी। हाफ एडर के जो आउटपुट होते हैं वो क्या होता है, एक होता है सम, एक होता है कैरी। ठीक है, दो इनपुट दे रखे हैं, देखो 1 और 1। ठीक है, अब जो 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा, 0 सम आएगा, और 1 क्या जाएगा, कैरी जाएगा। तो 0 सम आएगा तो 1 क्या जाएगा, कैरी, क्योंकि 1 और 1 ऐड होके क्या होता है, जब हम 1 और 1 को ऐसे ऐड करते हैं तो क्या होता है, 0 नीचे लिखते हैं और 1 कैरी नहीं लिखते, तो 1 कैरी आएगा, 0 सम आएगा, तो यह क्या आएगा, 0, और कैरी क्या आएगा, 1। ठीक है, 0 किस पे गया, S1 पे, और 1 किस पे गया, S0 पे। अब मल्टीप्लेक्सर का देखो, मल्टीप्लेक्सर को ये क्या होती हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये होती हैं सेलेक्ट लाइन्स, ये क्या होती हैं सेलेक्ट लाइन्स। ठीक है, अगर मैं 2 लिखूं, इसके जो सेलेक्ट लाइंस है S1 S0 है, क्योंकि हम S1 से स्टार्ट करते हैं, S0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 1 0, पहले तो तुम देख लो स्टार्टिंग से, 0 0 0 1 1 0 and 1 and 1 जो इसका आउटपुट होगा। ठीक है, अगर S1 S0 है 0 0, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, I0 लाइंस जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी आउटपुट के साथ। अगर हमारी 0 1 है, 0 1 है, तो I1 जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा 1 0 है, तो उसके I2 जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, एक लाइन जाके आउटपुट पे कनेक्ट होती है। ठीक है, I1 I2। ठीक है, अगर 1 1 है, तो ये I3 वाली जाके यहाँ लाइन कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसका ये जब 1 1 होगा तब क्या आएगा, I3। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का टेबल है कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको S1 क्या मिला था, 0, S0 क्या मिला था, 1, 0 1 पे देख लो क्या आउटपुट पे आएगा, I1 आएगा, तो आउटपुट पे Y की आउटपुट क्या आएगा, Y आउटपुट, Y का आउटपुट क्या आएगा, I1, तो I1 ही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये तो आपको पता भी होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्यों मोस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 90%। कोल बेस्ड की कितनी है, 37% अप्रॉक्स मिल जाती है हमें कोल बेस्ड की, और न्यूक्लियर की होती है 33 से 37, थर्मल प्लांट से कम होती है कोल बेस्ड से, डीजल की सबसे कम होती है 35%। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको एफिशिएंसी लिख दी है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, द मेटल इज यूज्ड इन हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजन एंड इन द स्पेशल कॉन्टैक्ट इज, कौन सा जो मेटल है वो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी में यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखो, सिल्वर और कॉपर यूज़ किए जाते हैं आजकल, सिल्वर और एक कॉपर यूज़ किया जाता है फ्यूज़ के अंदर। ठीक है, सिल्वर और कॉपर यूज़ किया जाता है फ्यूज़ के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिल्वर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं, 64, इन अ रोड गैप अरेस्टर
द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रॉड इन ऑर्डर टू। देखो इसको मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। रोड गैप रेजिस्टर ये आपको आना भी चाहिए, एक डायग्राम के साथ समझाएंगे, ठीक है। तो रोड गैप रेजिस्टर को हम जल्दी से देखते हैं। देखो रोड गैप रेजिस्टर जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये पूरा डायग्राम रोड गैप रेजिस्टर का नहीं है, पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, ट्रांसफार्मर के बुशिंग्स के साथ कनेक्ट होता है। ये क्या ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स है, क्या होती हैं बुशिंग्स, ये देखो यहाँ दिख रहे हो, ये क्या है, ये सारी क्या है बुशिंग्स है, ठीक है। तो बुशिंग्स के साथ क्या कनेक्ट होता है, रोड गैप अरेस्टर। रोड गैप अरेस्टर क्या है, ये सिर्फ ये छोटी सी डंडी जो है ना दोनों साइड, ये वाली देखो, ये वाली और एक ऊपर भी कनेक्ट है, ये दो डंडियों को क्या कहते हैं, दो रॉड्स को क्या कहते हैं, रोड गैप अरेस्टर। कुछ नहीं है, जस्ट एक लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आ रही है इधर से ऐसे, ये वाली लाइन आ रही है इधर से नीचे। तो दो रोड गैप अरेस्टर लगे होते हैं, दो रोड्स लगी होती है जिसके अंदर रोड नंबर वन होती है ऊपर लाइन के साथ कनेक्ट है। ये देखो ऊपर से लाइन आ रही है हमारी, ये लाइन आ रही है, तो लाइन के साथ एक कनेक्ट है, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन के साथ एक रोड कनेक्ट है, और दूसरी रोड किसके साथ कनेक्ट होती है, अर्थ के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्ट होती है। और दोनों रोड्स के बीच में गैप छोड़ा जाता है थोड़ा सा, बिकॉज इसके अंदर जो होती है वो आर्क प्रोड्यूस होती है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। 15 डायमीटर की ये साइज होता है इनका, ठीक है, वेरी करता है बाकी। तो जो ये रॉड गैप होती है, आप देखो क्या होता है, जब हमारा जो जो इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर कभी भी कोई लाइटनिंग वेव आती है, लाइटनिंग वेव, ठीक है, लाइटनिंग वेव, क्योंकि आपको रेस्टर तो पता ही होंगे लाइटनिंग वेव को से हमारे इक्विपमेंट को बचाते हैं। तो जब ये लाइटनिंग वेव आती है तो उसके कारण क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। जब हमारी ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस होएगी उसके कारण क्या आएगा, फॉल्ट करंट आएगा, ठीक है। अगर वो फॉल्ट करंट हमारे इक्विपमेंट के अंदर बह गया, चला गया, जो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे हमें बचाना है, इससे हम बचाने के लिए क्या करते हैं, रोड गैप रेस्टर को यूज़ करते हैं। कैसे, जब हमारा लाइन के ऊपर लाइटनिंग वेव आती है उससे ओवर वोल्टेज क्रिएट होती है, ओवर वोल्टेज के कारण फोल्ट करंट आता है। फोल्ट करंट क्या होता है, यहाँ से रोड से होते हुए इधर से आता है, और इधर से जो ये गैप है इसके बीच में क्या प्रोड्यूस होती है, आर्किंग प्रोड्यूस होती है फोल्ट करंट की वजह से, आर्किंग। जब आर्किंग प्रोड्यूस होती है तो आर्क की वजह से जो ये फोल्ट करंट है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, हमारा जो ये बुशिंग्स हैं ये क्या हो जाएंगी, प्रोटेक्टेड हो जाएंगी, ये प्रोटेक्टेड रहेंगी, यहाँ तक तो लाइन करंट पहुँचेगा ही, फॉल्ट करंट सॉरी पहुँचेगा ही नहीं। तो जो ये पूरा का पूरा फॉल्ट करंट होगा वो यहाँ से होता हुआ आर्क प्रोड्यूस करेगा, और आर्क प्रोड्यूस करके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है, ये आर्क जो प्रोड्यूस हो रही है, ये लाइटनिंग वेव के जाने के बाद भी जब ओवर वोल्टेज खत्म हो जाता है तो कुछ लोअर वोल्टेज रहता है, ठीक है, लोअर वोल्टेज पे चल रही है लाइन सपोज करो, तो लोअर वोल्टेज पर भी ये आर्किंग मेंटेन रहती है, ये आर्क जो होती है मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इस आर्क को अवॉइड करने के लिए, अब आर्क किसकी वजह से आई, फॉल्ट करंट की वजह से, तो ये जो करंट है ये उसकी वजह से जो आर्क मेंटेन है अभी तक, इस करंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सीरीज के अंदर, इसके सीरीज के अंदर एक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को लगाते हैं, जो कि कौन सा कंपोनेंट होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को लिमिट करेगा, करंट लिमिट होगा तो डैट मीन्स उसकी वजह से ये आर्क नहीं बनेगी। जब आर्क नहीं बनेगी तो हमारा ये जो चीज़ होगी ये आर्क ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। जो ये रेजिस्टेंस हम लगाएंगे किस लिए लगाते हैं, रोड गैप के अंदर, और ये सीरीज में लगाया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया किसकी वजह से, किस लिए लगाया हमने, ताकि ये जो हमारा जब लाइटनिंग वेव ओवर वोल्टेज खत्म हो जाती है लोअर वोल्टेज पे भी आर्किंग मेंटेन ना रहे, उसकी वजह से हम क्या लगाते हैं, इसके सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो यही हमारा देखो आंसर था कि जो रोड गैप रेस्टर के अंदर लिमिटिंग रेजिस्टेंस, हम करंट लिमिटिंग हो गया ना, देखो करंट की वजह से आर्किंग प्रोड्यूस होती है, तो इसको लिमिट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस, किसके सीरीज में, किसके रॉड के, ठीक है, किसके लिए, टू अवॉइड द कंटिन्यू स्पार्किंग, मतलब जो स्पार्किंग है वो कंटिन्यू ना रह सके इवन एट अ लो वोल्टेज, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी बात, तो ये हमारा आंसर है। तो 65 क्वेश्चन, द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज, द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज हुसैन नगर, हुसैन सागर सॉरी थर्मल पावर प्लांट, और ये कहाँ है, आने वाले क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तेलंगाना में, कहाँ पर है, तेलंगाना में, ठीक है। और जो ये है मुंद्रा उत्तरा मेगा पावर प्लांट, ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और जो विध्यांचल है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश MP, ठीक है। और ये वाला उड़ीसा में, ठीक है। तो सब कॉपी पे अपनी नोट करके लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अकॉर्डिंग टू द आईई रूल्स द मैक्सिमम लोड ऑन अ पावर सब सर्किट शुड नॉट एक्सीज द 3000 वॉट। ये तो आपको आईई रूल्स थोड़े बहुत देखने भी पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट। एक क्रॉस सेक्शन एरिया वाला देख लो, ठीक है, एक ये कुछ जो भी पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आया बस उसको ही देख लो, ज़्यादा देखने की लोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, एन एसी वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम इक्वल टू द 100 वोल्ट इज अप्लाई टू द सिंगल फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द एससीआर विल बी। इसके लिए आपको बस एक ध्यान रखना है, हमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमने सप्लाई करी है वो कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू जो सप्लाई करी है वो कितनी है, सॉरी पीएम लिख रहा हूँ, वीएमएम वोल्टेज है ना 100 वोल्ट, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं आपको इसको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। कौन सा सर्किट है देख लो, सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल सर्किट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल सर्किट, ये वाला उधर मत देखो पहले, ये हमारा सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल सर्किट, ठीक है। इसके अंदर चार डायोड लगे हैं ऐसे करके देखो, ये चार डायोड, 1 2 3 4, ठीक है। उसने पूछा है कि एक डायोड की कितनी वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज पूछा, तो पीक इनवर्स वोल्टेज का इसके अंदर फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू द पीक इनवर्स वोल्टेज, सॉरी पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द वीएम। जो भी मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई होगी वो एक डायोड के अक्रॉस है, ये मैंने पूरा नहीं बताया, एक डायोड के अक्रॉस इतनी वोल्टेज होगी, ठीक है। और हमने देखी थी वीएम कितना था 100, तो एक डायोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी 100 वोल्ट। अब ये जो आ जाओ, ये देखो ये कौन सा है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, इसका भी देख लो आप, आने वाले क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो ये लगे हैं डायोड्स, ये सॉरी, हाँ जी ये डायोड जो लगे हैं ये एससीआर थे, सॉरी ये एससीआर है, गलत हो गया, ये एससीआर वो डायोड हैं, ये एससीआर है। तो एक एससीआर के अक्रॉस, सॉरी गलत हो गया, एक एससीआर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वीएम 100 वोल्ट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर क्या लगे हैं, डायोड्स लगे हैं, दो डायोड्स लगे हैं, ठीक है। तो दो डायोड्स लगे हैं तो एक डायोड के अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज आएगी वो कितनी होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द 2 वीएम, ठीक है। अगर इसका पूछता तो इसका क्या आता, 2 × 100 200 वोल्ट। अब उसने डायोड का तो पूछा नहीं, उसने किसका पूछा था, एससीआर का पूछा है। और कौन सा सर्किट दे रखा है, ये हमें दे रखा है सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड ब्रिज सर्किट, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो देख सकते हो, तो एससीआर का पूछा था, तो एससीआर का जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, इज इक्वल टू द वीएम, और वीएम कितना है 100 वोल्ट, तो हमारा आंसर भी क्या है 100, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इट इज़ यूज्ड इन द पैनल्स फॉर द स्विच गियर एंड आर्किंग डिवाइस, कौन सा चीज़ होती है जो यूज़ होती है, वो होती है एस्बेस्टो सीमेंट, ठीक है। और ये जो ये किसके लिए यूज होती है, फॉर इंसुलेटिंग, ये किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, फॉर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इंसुलेट करने के लिए डिवाइस को यूज़ किया जाता है प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये एस्बेस्टोस स्टेज, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर इंसुलेटिंग, ये एस्बेस्टोस है ना, ये सबको इंसुलेट करने, ये इंसुलेटिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये किसको यूज़ किया जाता है, इंसुलेटिंग वायर्स, क्वाइल्स, स्टीम पाइप्स, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, फॉर अ 16-बिट साइंड इंटीजर एसएलसी 500 काउंटर कैन काउंट विद इन द रेंज ऑफ, देखो इसका तो आंसर आपको खुद ढूंढना है, अगर नहीं पता लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बोलना। दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं, कि ये वाला एक, वो वाला एक आगे है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट हैं, डिटेल में समझाने वाले हैं, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ठीक है। जल्दी से आप चलते हैं 70 क्वेश्चन पे। 70 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले ऑपरेट्स होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, देखो दो पहले तो बात मेरी ये समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है। इसके आगे दो टाइप्स होते हैं, इंडक्शन टाइप, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, अट्रैक्शन टाइप, कौन सा होता है, अट्रैक्शन टाइप, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये किसके ऊपर वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। मैग्नेटिक स्विच होता है, ये अट्रैक्शन के ऊपर वर्क करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के ऊपर वर्क करेगी, ठीक है। क्या है इसको मैं आपको बता देता हूँ, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्या है, एक मैग्नेटिक स्विच होता है, ये मैग्नेटिक स्विच होता है, क्या यूज़ करता है,
यूजेज अ मैग्नेट, किसके लिए मैग्नेट का यूज करता है? फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है। द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बनाई है मैग्नेट की हेल्प से, ये यूज की जाती है, इज यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्विच, यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्विच, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्विच, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग द मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है इसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड, एंड परफॉर्मिंग अ मैकेनिकल ऑपरेशन। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऑपरेशन, ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात को? तो जल्दी से तो इसका अंदर देख लो, ये जो दोनों ही होती हैं बहुत, एसी और डीसी दोनों पे ही वर्क करती हैं, सॉरी ये वाली एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती हैं, और जो इंडक्शन टाइप होती है सिर्फ एसी पे वर्क करती है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोलिक टर्बाइन सुचेबल फॉर द स्पीड रेंज ऑफ, हाइड्रोलिक टर्बाइन जो स्पीड रेंज कितनी है? 95 टू 440 आरपीएम, ठीक है, 440 आरपीएम के लिए कौन सा आप यूज़ करोगे हाइड्रोलिक टर्बाइन? तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले देखो पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील की क्या स्पीड होती है? ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल जेट, ठीक है, और एक होता है मल्टी जेट, एक होता है सिंगल जेट, एक होता है मल्टी जेट। जो सिंगल जेट की स्पीड है वो कितनी है? 10 से 30, और जो इसकी है 30 से 50, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कल्पन, कल्पन जो है वो उसकी स्पीड कितनी होती है? 2450 से 850, ठीक है, 850 आरपीएम में, सारी आरपीएम में है स्पीड, ठीक है। रैंकिन की क्या होती है? रैंकिन सॉरी, ये तो साइकिल होता है ना, रैंकिन इट इज़ अ साइकिल, ये कोई टर्बाइन नहीं है, हाइड्रोलिक टर्बाइन नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ साइकिल। और जो ये है फ्रांसिस, फ्रांसिस की क्या स्पीड होती है? 50 से 250 आरपीएम। अब देखो जो हमें स्पीड दी गई है वो किसके अंदर लाई कर रही है? देखो ये 95 है, तो लोएस्ट वैल्यू देख लो, ये 10 है, नहीं जी ये भी नहीं, 30 नहीं, 250 नहीं, इसके अंदर लाई कर रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस। चलें आगे जल्दी से, 72 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ब्लॉक डायग्राम। जो ये ब्लॉक डायग्राम दिया है, देखो इनकमिंग केबल आ रही है, एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोवाट आर। जो हमारे घरों के बाहर मीटर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? एनर्जी मीटर ही होते हैं, जो कि क्या मेजर कर रहे होते हैं? पावर कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हमने जितने भी पावर घर में कंज्यूम करी है उसको ये क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया है, इट इज़ अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी मीटर इज़ अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग मतलब जो भी हमने पावर यूज़ करी ओवर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको ये क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जैसे आज के दिन हमने 200 वाट यूज़ करी, कल के दिन 300 वाट यूज़ करी, तो ये क्या करेंगे? उसको सम अप करेंगे, सम अप को ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? सम करना, एडिशन करना, ठीक है, एडिशन। तो हम क्या, ये क्या करता है? एनर्जी मीटर एडिशन करता है किसकी? हमारे यूनिट्स की। और यूनिट्स की वैल्यू क्या होती है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। और ये जो डायग्राम है किसकी दी हुई है? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की है, मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की। क्लियर हुआ, जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 73 द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द, किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है? इंडक्टेंस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। देखो कैसे, फर्स्टली सबसे पहले हमारा क्या होता है? वोल्टेज और जो करंट होता है ट्रांसमिशन लाइन का फेस में होता है, आर इन फेस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम, और सर आपको पता भी है कि ऑन ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस ही यूज़ की जाती है मोस्टली, इंडक्टेंस इज़ यूज्ड मोस्टली, ठीक है, इंडक्टेंस ही होती है क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव होती है ना, तो उसके कारण क्या होता है? जो हमारा करंट क्या करता है? लैग करता है। करंट क्या करेगा? लैग करेगा। सबसे पहले वी और आई फेस में थे, जिधर वी था उधर ही आई था, बट इंडक्टेंस के आने से करंट क्या करेगा? लैग करेगा किससे? वी से। अब करंट क्या करेगा? लैग करेगा कुछ वी से, ठीक है। अगर हम और ज़्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे, और ज़्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो हमारा जो ये करंट है वो और लैग करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रियल पावर का हमें लॉस होगा, रियल पावर का लॉस होगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसफ़र करते टाइम। अगर इसका हमें लॉस हो गया तो डैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमें रियल पावर का लॉस होगा वाइल ट्रांसफरिंग,
तो जिसकी वजह से हम इंडक्टेंस को इंक्रीज करना कभी नहीं चाहेंगे, तो इंडक्टेंस की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पावर ट्रांसफ़र पे। क्लियर हुई इतनी बात? पावर ट्रांसफ़र पे, सॉरी, पावर ट्रांसफ़र पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हुई? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल मोटर हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वेरिएबल स्पीड करेक्टरिस्टिक बिकॉज इट इज़ अ सीरीज वाउंड। आपको बस यूनिवर्सल मोटर का पता है, दो मैग्नेट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, उसको हम सप्लाई देते हैं ऐसे करके कॉइल को वाउंड करते हैं, और ये एक ही कॉइल होती है, तो ये किस में वाउंड है, सीरीज में या शंट में? सीरीज में वाउंड की जाती है, देखी होगी। और यहाँ बीच में रोटर होता है, यहाँ बीच में रोटर होता है, और ये आपको यूनिवर्सल मोटर पता है एसी और डीसी दोनों पे काम करती है। अगर इसको एसी सप्लाई देंगे तो ये इसके नॉर्थ और साउथ पोल क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। अगर डीसी सप्लाई तो एसी सप्लाई दी, तो ये जो मैग्नेट बनेंगे वो कौन से बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के किसकी वजह से बनता है, एसी सप्लाई की वजह से। अगर इसको मैंने डीसी सप्लाई दी तो ये कौन सा मैग्नेट बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, जब इसको हम सप्लाई देते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड रोटर के साथ लिंक करती है, तो ये आपको डीसी मशीन वाला कंसेप्ट पता ही होगा, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर में सीरीज माउंट कनेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज गिवन बाय द रिलेशन। शॉर्ट सर्किट जो रेशियो है कौन से रिलेशन से हमें पता लगेगा, देखो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड, फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट वोल्टेज, ओपन सर्किट, सॉरी, टू प्रोड्यूस ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। और इसका कुछ ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ अगर आप देखोगे ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट करंट को दिखाता है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज को दिखाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज ये शॉर्ट सर्किट करंट को दिखाता है, इधर बना होता है फील्ड करंट, ठीक है, फील्ड करंट, ठीक है, और इधर बना होता ओपन सर्किट वोल्टेज। सो हमें तो रेशियो पूछी थी ना, सिर्फ हमें रेशियो पूछे, तो इट इज़ अ रेशियो फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड फील्ड करंट फॉर रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अ प्लांट हैविंग अ लोड फैक्टर ऑफ 0.6, पीक लोड ऑफ 100 मेगावाट। आपको सारे यूनिट्स आने चाहिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा सबसे पहले यूनिट्स आने चाहिए। 100 मेगावाट मतलब 100 × 10⁶ वोल्ट। क्लियर हुआ? लोड फैक्टर पूछा हमें, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने PSPCL में भी सारे फैक्टर बताए थे। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, या फिर कह लो मैक्सिमम लोड, ठीक है। एवरेज लोड क्या होता है, मान लो 5 दिन है, ठीक है, आज के दिन हमने 200 वाट बिजली यूज़ करी, 400 वाट, 600 वाट, 300 वाट, 150 वाट, ऐसे करके हमने बिजली यूज़ करी, मैक्सिमम कितनी करी है, 600। एवरेज की क्या होएगा, एवरेज होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय कितने यूनिट, कितने डेज के लिए हमने यूज़ करी है, 5 डेज के लिए, तो इसका टोटल सम करूँगा मैं, डिवाइडेड बाय डेज कर दूंगा, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज लोड, ठीक है। तो हमें लोड फैक्टर फाइंड आउट करना, और इसमें हमें दिया क्या हुआ है, 30 डेज का, ठीक है, 30 डेज है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, देखो इसका मेरे को आपको फॉर्मूला ही पहले बता दूँ, क्लियर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको मैं एवरेज लोड को लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी जनरेटेड बाय द पावर प्लांट, जनरेटेड टोटल एनर्जी जनरेटेड किसके अंदर होगी, किलोवाट आर के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम था, 30 डेज, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लोड, ठीक है, इज इक्वल टू लोड फैक्टर। अब लोड फैक्टर हमें दिया कितना हुआ है,
लोड फैक्टर दिया है 0.6, हमें क्या निकालना है टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब ये देखो ये जो मैक्सिमम लोड है, ये जो पीक लोड है इसको मैक्सिमम लोड कहते हैं, ये वाट में, हमें इसको किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा ताकि ऊपर जो ऊपर भी यूनिट किलो वाट में होनी चाहिए और नीचे भी यूनिट किलो वाट में ही होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या आ जाएगा 100 × 10⁻³ किलोवाट। ठीक है, दोनों तरफ यूनिट किलोवाट में होनी चाहिए। 0.6 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी जनरेटेड इन किलोवाट आर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय 100 × 10⁻³। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 432 × 10⁻¹५ यूनिट्स, 432 × 10⁻¹५ यूनिट्स। क्लियर हुई इतनी बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, 15 यूनिट्स आ रहा है, देखो 15 यूनिट्स आ भी रहा है या नहीं, सॉरी नहीं एक मिनट, ये किलोवाट आर के हिसाब से है ना, ये आर के हिसाब से है, हमने इधर टाइम डेज में क्यों लिया है, इसको भी आर में कैलकुलेट करेंगे। एक डेज में कितने होते हैं 24, 30 डेज में कितने होंगे 24 आवर्स। ठीक है, और ये जो हमने लिया है ये जो यूनिट होती है ये हमने मंथ के हिसाब से ली थी ना, तो इधर भी मंथ के हिसाब से लेंगे, तो 30 डेज तो हमने ले लिए, अब आर के हिसाब से भी लेने, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं, और 30 डेज में कितने होंगे 24, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 432 × 10⁻¹५। क्लियर हुई इतनी बात? चलें आगे। द मेजर एडवांटेजेस ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये मैं आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कॉस्ट इसकी कम होती है, ठीक है, लो वोल्टेज पे है, यूजफुल होता है, लो मेंटेनेंस है, लेस अमाउंट ऑफ केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जहाँ पर कम लोड की ज़रूरत होती है वहाँ पर इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारा पूरा सबस्टेशन सेंटर में हो, पूरे शहर के सेंटर में हो, तो उसे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सप्लाई देनी होगी वो इजी हो जाएगी। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लार्ज वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है कंज्यूमर साइड पे। ठीक है, और जो को अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो भी कंज्यूमर है वो एक ही बस से जुड़ा हुआ है, ये वाली बस से, ठीक है, एक ही फीडर से जुड़ा हुआ है। अगर इस बस में या फीडर में अगर एक भी फॉल्ट आ गया तो ये पूरे घर की सप्लाई, सभी घरों की सप्लाई को बंद कर देगा, एक की नहीं करेगा सभी की कर देगा, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं जी, मोर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये तो इसकी डिसएडवांटेज है कि मोर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है, ये तो नहीं है, रिक्वायर लेस रिजर्व कैपेसिटी नहीं जी, हमारा आंसर क्या होगा, लो इनिशियल कॉस्ट। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ऑन लाइट लोड द इंडक्शन टाइप एसी मोटर वर्क ऑन द रेंज ऑफ द वर्क ऑन द पावर फैक्टर इन द रेंज ऑफ द, ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 0.2 से लेकर 0.3 तक। ठीक है, ये मैं आपको सारे बता देता हूँ। हमारा लाइट लोड हो या फिर नो लोड हो, पावर फैक्टर हमारा क्या रहेगा इसी मोटर का, 0.2 से 0.3। अगर फुल लोड हो, फुल लोड पे हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा, 0.8 से 0.9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग इन विंटर, एयर कंडीशनिंग पे सबसे पहले तो आप ये देखो, विंटर्स के अंदर कूल होगी एयर? नहीं जी, हीट होगी। ठीक है, अब ह्यूमिडिफाइड और डिह्यूमिडिफाइड का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिफाइड का मतलब होता है गर्म कैसे करेगा, गर्म हवा कैसे करेगा, बाय इंक्रीजिंग मॉइस्चर होगा अगर एयर में तभी गर्म होगी हवा, तो मॉइस्चर लाने के लिए ही एयर एयर कंडीशन को यूज़ किया जाता है। तो मॉइस्चर ये एयर हवा के अंदर मॉइस्चर को प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। ठीक है, लेवल उसके लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो हमारी है एयर जो हो जाती है वो गर्म हो जाती है। तो ह्यूमिडिफाइड का ये मतलब होता है, डिह्यूमिडिफाइड का मतलब होता है कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर है वो सोखना, तो वो कब होगा, विंटर्स के अंदर होगा, अगर ये अगर सॉरी समर के अंदर होगा, अगर समर के अंदर आता तो ये होता ऑप्शन हमारा, समर के अंदर आता तो ये होता ऑप्शन हमारा, एयर इज कूल्ड एंड डीप मॉडिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ द कंप्यूटर एंड मॉनिटर्स आर सेट इन स्लीप मोड व्हेन नॉट इन यूज, द एनर्जी कॉस्ट इज रिड्यूस्ड टू 40%। ये तो आपको जो कंप्यूटर वाले होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि अगर जो हमारा स्लीप मोड में रहेगा, मतलब स्लीप मोड कब होता है, जब हम कंप्यूटर को चलता छोड़ जाते हैं थोड़ी देर बाद, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में आ जाता है, उसका मॉनिटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है।
मतलब बिल्कुल बंद नहीं होता, वो डिस्प्ले शो करनी बंद कर देता है, वो स्लीप मोड में सो जाता है। ठीक है, द स्टार्टर रिकमेंड फॉर द 50 HP मोटर, ये मैं आपको सारे बता देता हूँ कि 50 HP मोटर के लिए जो स्टार्टर यूज़ होगा कि टू स्टार्ट द मोटर के कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए। देखो जो डायरेक्ट आउटलाइन स्टार्टर होता है वो 2 से 5 HP तक की मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो स्टार्टर होता है वो अबव ये लगा लो कम से कम 10 से 20 HP तक की मोटर के लिए यूज़ किया जाता है, और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसको हम अबव 20 HP की मोटर के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 82 क्वेश्चन इन अ डबल स्क्विरल केज मोटर द आउटर केज इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस मेटल बार्स प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग इट्स स्टार्टिंग टॉर्क। देखो स्टार्टिंग टॉर्क हमें टॉर्क चाहिए स्टार्टिंग टाइम, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो दो टाइप्स के रोटर होते हैं, एक होता है साइलेंट पोल्ड रोटर, एक होता है स्क्विरल केज रोटर। इसके सेलियंट पोल के अंदर हम स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल में रोटर का रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि रोटर को लगाया जाता है। ठीक है, बट जो ये स्क्विरल केज स्ट्रक्चर होता है, स्क्विरल केज रोटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर रोटर का सर्किट इस केस में हाई रेजिस्टेंस का हुआ तो मोटर की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, मोटर की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और केज का यूज़ करेंगे, दो केज हो जाएंगे, तभी हम इसको क्या कहते हैं, डबल केज। और जो आउटर केज होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और रिएक्टेंस क्या होगी, लो होगी, लो रिएक्टेंस। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इनर केज में क्या होगा, इनर केज में क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस, लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब आपको पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो इस सब से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें आउटर केज का पूछा है, आउटर केज का ही पूछा ना, तो आउटर केज में देख लो क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई रेजिस्टेंस अगर है आउटर केज का तो वो किस लिए होता है, फॉर इंक्रीजिंग द स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर है, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। ठीक है, ल्यूमंस किसकी यूनिट होती है, ल्यूमंस पर मीटर स्क्वायर, ये लक्स की यूनिट होती है। ल्यूमंस पर वाट किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी की। ये सारे मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो सारे अपने PSPCL के लेक्चर में बता रखे हैं। PSPCL का जब मैंने पेपर सॉल्व किया था ना उसके अंदर ऐसा सा कुछ क्वेश्चन था, उसमें मैंने सारे टॉपिक क्लियर किए थे। और कैंडेला किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। क्लियर हुआ, तो उसके लिए आपको PSPCL का पूरा पेपर देखना पड़ेगा। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मेरे को ये टॉपिक क्लियरली समझना है दोबारा से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इल्यूमिनेशन टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PSPCL में भी ये पूछा गया है, PSPCL JEE का जो पेपर हुआ था पंजाब का उसमें भी ये पूछा गया, ये आता ही आता है, गेट में भी एक दो बार ही आया था। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ पे टॉपिक है, दो तीन ही टॉपिक, ज़्यादा नहीं है, सबके फॉर्मलीज हैं, उसको आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल शोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अच्छा सिंबल नहीं है इसके अंदर, तो सिंबल मैं आपको बता देता हूँ क्या सिंबल है। सिंबल ऐसे करके कुछ है, जो ये सिंबल है ये किसका सिंबल है, ये चेसिस अर्थ का सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इट इज़ अ लिंक, एक लिंक होता है किसके बीच में, दो मेटेलिक पार्ट्स के, मशीन के दो मेटेलिक पार्ट्स के बीच में जो लिंक बनाता है वो कौन बनाता है, चेसिस अर्थ बनाता है। किसके लिए बनाता है, ताकि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहे, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। किसके लिए, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। क्लियर हुई, ठीक है, आपको दो तीन और चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक ये भी होता है, ये जो है ये किसका डायग्राम है, ये किसका सिंबल है, सिग्नल का सिंबल है, और ये तो आपको पता ही होगा ये अर्थ का सिंबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ PLC मैन्युफैक्चरर, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अ PLC मैन्युफैक्चरर। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 इन अ थर्मल पावर प्लांट द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, कि इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, कि जो पानी है
उसको फिर से सॉरी पानी जो है हमने उसको थोड़े टेम्परेचर पे बर्न करना, मतलब उबालना, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका गेन करना, पानी को गर्म करना। और ये कैसे गर्म करेगा, गर्म करना पानी को, और ये कैसे गर्म करेगा, फ्ल्यू गैसेस है। फ्ल्यू गैसेस कौन सी, जो हम कोल को बर्न करते हैं तो उसकी जो फ्ल्यू गैसेस होती है वो गर्म होती है, बॉयलर के साथ ही ये कनेक्ट होता है। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि बॉयलर के साथ ही कनेक्ट होता है, उसके अंदर से फ्ल्यू गैसेस की हेल्प से ये पानी को थोड़ा गर्म करता है। जब वो कुछ एक थोड़ा सा टेम्परेचर गेन कर लेता है तब हम उसको बॉयलर में भेजते हैं ताकि वो वहाँ जाके वो जो लिक्विड है वो स्टीम में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो ये अगला हम देखेंगे ड्यूरिंग अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोटर ऑपरेट सेट, मोटर ऑपरेट सेट। तो इसका मैं आपको बताऊँ क्लियरली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं आपको ग्राफ देता हूँ। टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक का, सॉरी टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक है, देखो ठीक है, जो इधर की तरफ होती है स्पीड होती है, उधर की तरफ मूव करेगी स्लिप करेगी। ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा था जब मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, तो उसकी कुछ डायग्राम ब्लैक बोर्ड की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे भेज रखी है, अगर आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ क्या होती है, टॉर्क होती है ठीक है, अब स्पीड उधर की तरफ मूव करेगी। इस स्टार्टिंग पॉइंट पे रोटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड जीरो होती है। इस पॉइंट पे रोटर की स्पीड इक्वल टू होती है सिंक्रोनस स्पीड ठीक है, और इसी पॉइंट पे स्लिप क्या होती है, जीरो होती है। इस पॉइंट पे स्लिप क्या होती है, वन होती है ठीक है। और यहाँ क्या होएगी स्लिप, यहाँ स्लिप होएगी ग्रेटर देन वन, और यहाँ क्या होएगी स्लिप, लेस देन जीरो ठीक है। और इस एरिया में स्लिप क्या होती है, लेस देन वन, वन से बड़ी, हाँ जीरो से छोटी, सॉरी गलत हो गया, सॉरी वन और जीरो के बीच में होती है स्लिप। स्लिप इधर को इंक्रीज कर रही है ना, देखना स्लिप इधर को इंक्रीज कर रही है ना, तो जीरो से क्या होएगी, बड़ी होएगी, और वन से क्या होएगी, छोटी होएगी। क्लियर हुई, तो इस एरिया में ये है। और ये जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग रीजन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग रीजन, या फिर जनरेटिंग रीजन, या फिर जनरेटिंग रीजन ठीक है। दो रीजन कहते हैं, ये जो रीजन होता है ये कौन सा होता है, ये होता है मोटरिंग रीजन। और ये रीजन क्या होता है, जब हम मोटर को ब्रेक लगा रहे होते हैं, या कैसे ब्रेक लगाएंगे, बट चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द स्टेटर, ब्रेकिंग रीजन ठीक है। समझ गए इतनी बात को, तो मोटर ऑपरेट सैट ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मोटर ऑपरेट सैट जनरेटर की तरह ऑपरेट करती है। देखो मैंने लिखा भी हुआ जनरेटिंग रीजन है ये, तो जनरेटर की तरह ऑपरेट करती है। क्लियर, आगे की तरह मूव करते हैं जल्दी से। द इन ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर वन हीट हीटेड लेड परोक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इन टू द, ये जो लेड परोक्साइड होता है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड लीड के अंदर। अ टू वायर, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करके लाना है, कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर बताना सॉल्व करके पूरा। अगर नहीं पता लगता तो मेरे को कमेंट करिए ताकि थोड़ा सा एफर्ट्स आप भी कर सको तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, द परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइटनिंग सर्किट। ये जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप होता है लाइटनिंग सर्किट, मतलब घरों में ये लो लोड पे, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट। अगर उसकी बात करें 5% हाई लोड पे, हाई लोड पे क्या होता है, हाई लोड पे 5% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज इतनी ड्रॉप होती है, -1 नहीं है, ये ध्यान रखना, सिर्फ 5% है पूरा ठीक है। लो लोड पे लाइटनिंग सर्किट पे, मतलब हमारे घरों में 2% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट। विच ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल हैव अ स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप, किसका होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है वो लार्ज होता है, वो कौन सा होता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर्स के अंदर। मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, देखो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का ये डायग्राम है, और ये सॉफ्ट का है, ये सॉफ्ट का है, जिसका एरिया जो ये हिस्टेरेसिस लूप होता है बिल्कुल पतला सा होता है, और इसका थोड़ा सा वाइड एरिया का होता है, ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का है, जिसको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं ठीक है।
इसका क्या मतलब होता है, जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मटेरियल होता है उसके अंदर थोड़े से डाइपोल्स होते हैं, क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे, कुछ किसी डायरेक्शन में होंगे, कुछ किसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये डाइपोल्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। उस डायरेक्शन में जब मूव करना शुरू हो जाएंगे तो कुछ मूव होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ मूव होंगे, कुछ ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट हम, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, जैसे जैसे हम करंट को मैग्नेटिक फोर्स हम लगाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करेगा और एक पॉइंट पे जाके सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फोर्स को इंक्रीज़ भी करते हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा, सारे के सारे डाइपोल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक जो ये फील्ड लगा रहे हैं इसको कम करने लगते हैं, जब हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम करने लगेंगे, तो ये जो डाइपोल होंगे वापस से कुछ ऐसे ही रहेंगे, कुछ मूव करना शुरू हो जाएंगे उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। जब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, इस पॉइंट पे आके जब हमने मैग्नेटिक फील्ड पूरी हटा ली है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड पूरी हटा ली है तब क्या होगा, तब क्या होगा कि कुछ डाइपोल्स मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कुछ वैसे के वैसे ही हैं, कुछ वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, जो हमने जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज किया था उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। उसको हम किससे दिखाएंगे, रिटेंटिविटी से, मतलब जो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यहाँ पर क्या हमारी, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म अभी भी प्रेजेंट है मटेरियल के अंदर, ठीक है। और ये जो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोरिसिविटी, मतलब कोरिसिव फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द मैग्नेटिज्म कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज, टू मेक द मटेरियल कम्प्लीटली डीमैग्नेट, मतलब जो भी हमने फोर्स लगाई है इस मटेरियल की रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, कोरिसिविटी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, जब हमने क्या करा, अब इसके बाद क्या हुआ, हमने अब नेगेटिव साइड से फोर्स लगाई, मतलब ऑपोजिट साइड से हमने फोर्स लगानी शुरू कर दी, अब इधर वाली साइड से, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है फिर से यहाँ आए और ज़ीरो हो गए। उसके बाद हमने जब फिर से फोर्स लगाई नेगेटिव साइड से, तो ये जो मटेरियल है वो वापस से इस डायरेक्शन में घूमना शुरू हो गए और इधर पॉइंट पे जाके ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डाइपोल जो होंगे वो इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, फिर से वो सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या था, हिस्टेरेसिस लूप था। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। द मेन सर्किट इन अ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर टू कैरी अ करंट ऑफ 20 एम्पीयर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल सप्लाइड वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। अब ये देखो, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप जो कि मैंने आपको बताई थी, अब ये डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है, कितनी होती है, 2% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, अभी बताया था ना, 2% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, 2% कितनी होगी, 2/100 इंटू 20 प्लस 1 वोल्ट, क्या हो गया ये, प्लस 1 वोल्ट, ऐसी है 2% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4.6 आ गया, 4.6, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 4.6 हो गया, ये तो इंटरफेस थोड़ा सा तंग कर रहा है, प्लस वन वोल्ट था, प्लस वन वोल्ट था, ठीक है। 4.6 प्लस 1 इजिकल टू 5.6 वोल्ट, जो कि हमारा आंसर है। 2220 केवीए 50 एजेड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ अ 66 टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, N1 कितना है, दिया नहीं हुआ, पूछ रहे हैं, N2 कितना है, 66 टर्न्स है, और आपको पता है V1 बाई V2 क्या होता है, N1 बाई N2, N1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है 66, V1 दिया हुआ है 2000, V2 दिया हुआ है 200, 10, तो N1 की वैल्यू क्या आ गई, 660, क्लियर हुई इतनी बात, वैल्यू क्या आ गई, 660। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
94, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रेजिन इज यूज्ड, पीवीसी, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, फॉर कोटिंग, कोटिंग के लिए यूज़ की जाती है, कोटिंग का मटेरियल, फॉर कोटिंग का मटेरियल, ठीक है, कोटिंग का सर्किट। अब ये जो ग्राफ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्पीड टाइम ग्राफ का दिया हुआ है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अगर हमारी मोटर स्पीड गेन कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेट कर रही है हमारी मोटर, या ट्रेन की बात हो रही है, सॉरी सॉरी इधर ट्रेन की बात हो रही है, अगर ट्रेन हमारी ट्रेन की स्पीड इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही है। अगर वही चीज़ हमारी कम हो रही होती, हम क्या कहते, जैसे इस वाली साइड पे क्या हो रही है, मोटर डी एक्सेलरेट हो रही है, इस वाली साइड पे डी एक्सेलरेट हो रही है, इस वाली साइड पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड, ये डी एक्सेलरेट मतलब स्पीड उसकी कम हो रही है, ये क्या है एक्सेलरेट, ये क्या है एक्सेलरेट, ए बी साइड के ग्राफ का एक्सेलरेशन बी से सी कांस्टेंट स्पीड, सी से डी या सी से पूरा ई, सी से ई का आता फिर क्या आता डी एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अभी क्वेश्चन नंबर 96 बच्चों ने क्या करा होगा, वोल्ट मीटर जी लगा है पैरलर में 150 वोल्ट के चक्के, 150 वोल्ट रीडिंग मार करती, जो कि बिल्कुल सही भी है, बट इधर उसने जो, इधर एक बात का ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर पैरलर में तो लगा है, बट उसको हम एग्जैक्ट रीडिंग नहीं लेंगे क्योंकि इसके दोनों साइड पे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ये पैरलर में वोल्टेज सेम, ऐसे वाला काम मत करना, गलत कराओगे आगे जाके, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको हम कैसे करेंगे, सपोज करो ये हमारा सर्किट है 100 ओम, ये वी है 150 वोल्ट लगा, ठीक है, ये 50 ओम, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये 100 ओम का, हम क्या करेंगे इधर, हम क्या करेंगे वी माइनस 150 बाय 100, ठीक है, वी माइनस 150 बाय 100 V by R, ठीक है, V by I, सॉरी V by R, करंट हम किरचॉफ करंट लॉ लगा रहे हैं, प्लस V माइनस 150 बाय 50 इज इक्वल टू जीरो, 100 LCM आ गया, V माइनस 150, 50 टू 100 तो 2V हो जाएगा, माइनस 300 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, 100 उधर गया जीरो, V प्लस 2V 300, माइनस 450 हो गया, माइनस 450 इज इक्वल टू जीरो, 3V इज इक्वल टू 450, तो V क्या आ गया 150, ठीक है, ऐसे करना है, ये पैरलल में नहीं है क्योंकि इधर रेजिस्टेंस लगा, हाँ अगर रेजिस्टेंस यहाँ ना लगा होता फिर क्या होता, ये फिर हम कह देते कि ये पैरलल में है। देखो पैरलल में कैसे होता, अगर यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होता और यहाँ पर कुछ ऐसे लगा होता और यहाँ दिया होता 150, तब हम कहते कि ये पैरलल में, अब दोनों साइड तो रेजिस्टेंस लगे हैं, पैरलल में थोड़ी ना हुआ, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो कभी भी कोई नेटवर्क का, कोई ये नेटवर्क का क्वेश्चन था, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना, उसको गलत नहीं करके आना पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन के लिए आपको पता है जेके फ्लिप फ्लॉप में होती है और कब होती है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, ये तो आपको जाके मेरी वीडियोस में देखना पड़ेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने रेस अराउंड कंडीशन पूरा अच्छे से डिटेल में बता रखा है, तो ये तो आप जाके वीडियो को देखो, ठीक है, तभी समझ आएगा, ये ऐसा नहीं समझ आएगा, बहुत लंबा कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, द इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय, इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर कब होता है, सपोज करो जनरेटर को हम, जनरेटर का शाफ्ट, जनरेटर क्या करता है सबसे पहले बताओ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर के शाफ्ट को हम रोटेट किससे करवाएंगे, प्राइम मूवर से। सपोज करो एक जनरेटर कॉन्स्टेंट वर्क कर रहा है, सिस्टम में कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बाई चांस उसका प्राइम मूवर क्या हो जाए, उसके शाफ्ट को रोटेट करना बंद कर दे, मतलब फेल हो जाए, प्राइम मूवर फेल हो जाए, उस केस में क्या होगा, क्या अभी भी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, प्राइम मूवर तो फेल हो गया, मतलब शाफ्ट को कोई रोटेट ही नहीं करने वाला हैगा अब, तो क्या करेगा जनरेटर, क्या करेगा, उल्टा सिस्टम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने लग जाएगा, उल्टा सिस्टम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेने लग जाएगा, ठीक है। डैट मीन्स आपको पता है अगर ये जनरेटर है तो ये इधर लगा है लोड, ठीक है, ये जनरेटर क्या करेगा, इसको करंट प्रोवाइड करेगा, इसको सप्लाई देगा, बट अगर हमारा प्राइम मूवर फेल हो जाए तो जनरेटर क्या करेगा,
देने की बजाय करंट लेने लग जाएगा, करंट क्या लेने लग जाएगा, लेने लग जाएगा। और इस केस में क्या होता है, जब हम करंट लेते हैं तो वो क्या करेगा, एक्ट एज अ मोटर, ठीक है, एक्ट एज अ मोटर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, रिले का यूज़ करते हैं। और कौन सी रिले, रिवर्स पावर रिले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कब, ऐसा कब होगा, जब हमारा प्राइम मूवर फेल हो जाएगा, उस केस में ये रिले क्या कर देगी, जनरेटर सेट को ट्रिप करवा देगी, जनरेटर सेट को ट्रिप करवा देगी, मतलब जनरेटर सेट जो सर्किट होगा उसको बंद कर देगी, ठीक है, समझ आई। एन अल्टरनेटर इज अ बींग सिंक्रोनाइज टू द पावर स्टेशन बस बार हुज फ्रिक्वेंसी इज 50 Hz। अब इसका पूरा क्वेश्चन, सॉरी मैं रह गया लिखना, इफ़ अ बल्ब ऑफ द सिंक्रोनोस्कोप, इफ़ द बल्ब ऑफ द सिंक्रोनोस्कोप ग्लोज विद द मैक्सिमम ब्राइटनेस, ग्लोज विद द मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है, ग्लोज विद द मैक्सिमम ब्राइटनेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटर इज, अगर जो बल्ब है वो इसके साथ जो सिंक्रोनाइज हुआ हुआ है वो पूरा ग्लो कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर क्या होगा। तो पूरा ग्लो कब करेगा, जब उसे पूरी फ्रिक्वेंसी मिलेगी तभी तो वो ग्लो करेगा ना, तो 50 Hz। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव इक्वेशन। देखो ये किसका सिंबल है, पहले तो ये बताइए किसका सिंबल होता है, सेपरेटली लिख दे रहा हूँ, किसका सिंबल होता है, ये एक्स नॉर गेट का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। नैंड का क्या होता है, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम कुछ ऐसे करके होता है एक्स नॉर गेट का, ठीक है, ए बी, और आउटपुट क्या होता है, ठीक है। और जो ये नैंड गेट होता है, नैंड गेट का डायग्राम देख लेते हैं, नैंड गेट का, ठीक है, ए बी, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नोर गेट का देखते हैं, आगे नोट का साइन लगा दूंगा बस, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्स ओर का देख लेते हैं, एक्स ओर का, एक्स ओर का ऐसे करके होता है, ए ऐसे करके हमारा ये इसका आउटपुट होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो इंटरफेस थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए इस बार, तो आने वाले टाइम में और इजी हो जाएगा, तो आपको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। तो जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ना मत भूलिएगा। इलेक्ट्रिकल एग्जाम प्रिपरेशन सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, वो वहाँ आपको मिल जाएगा। 58 सब्सक्राइबर्स हैं, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में और होंगे, वर्क स्टार्ट करा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू वांट द वीडियो इन योर नोटिफिकेशन। थैंक यू।